तो दोस्तों ये इसका बॉक्स है, जल्दी से बता देता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों मैं कर चुका हूँ पहले, क्योंकि मैंने शॉप से ख़रीदी थी, तो मैं अनबॉक्सिंग मतलब मैंने उधर ही खोल के पहले एक बार चेक करी, फिर ली इसको, कोई ऑनलाइन नहीं मंगाई। इसका चार्जर है, ठीक है ना, मेरा मतलब इसका ये जो है ये अडाप्टर इसका इसमें कनेक्ट होगा कुछ इस तरीके से। ये पीछे देखिए ऐसे करके ये कनेक्ट, नॉर्मल चार्जर है ये सिंपल, ठीक है ना। और ये जो है आप प्लग में लगाओगे इसको, और ये देखिए ये वायरलेस चार्जर है, ठीक है ना। इसमें घड़ी को कुछ नहीं करना, आपको ऐसे रखना है दोस्तों। ये देखिए ये मैग्नेटिक मैग्नेट के द्वारा जो है ये इसे चिपक जाती है। देखिए ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए तो बहुत अच्छा है वायरलेस चार्जर। करीब डेढ़, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में फुल चार्ज जो है आपकी वॉच हो जाती है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो इसके बॉक्स में यही दो चीज़ आई थी, और एक इसका अलग से बैंड दिया है। मैं एक बार बता देता हूं आपको थोड़ा खोल के बॉक्स, हालांकि मैं जो है इसका अनबॉक्स पहले हो चुका है। ये देखिए इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है, एक आपको बैंड मिलेगा, ये देखिए एक बैंड है इसमें, इसके अंदर रखा हुआ है, एक्स्ट्रा बैंड दिया हुआ है सैमसंग वालों ने। मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ये एक्स्ट्रा इसलिए दिया हुआ है मतलब ये जो किसी के हाथ जो है, मतलब मान लीजिए किसी की रिस्ट जो है मैं मतलब ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है इसका जो पट्टा जो है, तो ये छोटा वाला लगा सकते हैं। देखिए इनका साइज देखिए आप, अभी बड़ा लगा हुआ है, हालांकि मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा 46 mm की वॉच है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ दोस्तों, ठीक है ना, 46 mm मतलब 4.6 सेंटीमीटर की वॉच है ये। ये देखिए ये छोटा है, अगर किसी कोई लेडीज़ है ना, या तो कोई जेंट्स है उसको अगर मान लीजिए बेकार लगता है, छोटा लगा सकता है। बस ये है और कुछ नहीं है इसमें जो है। बाकी ये चार्जर अकेला है जो नॉर्मल चार्जर है, कोई अगर आपके घर में कोई नॉर्मल है तो उससे भी चार्ज हो जाएगा, इसमें फिट करना है, ठीक है ना। ये देखिए तो ये है आपकी सैमसंग की गैलेक्सी वॉच। अब मैं इसको चालू करता हूँ, तो ये जो बटन है नीचे वाली, इसको थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो आपकी जो वॉच है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए सैमसंग गैलेक्सी वॉच लिखा आ रहा है। तो दोस्तों जब तक ये चालू हो रही है मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो ब्लूटूथ जो है अपने मोबाइल का ऑन कर लीजिए आप। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, तो प्ले स्टोर अपने मोबाइल का ऑन कर लीजिए, और इसमें डालना है आपको गैलेक्सी वियरेबल। ये देखिए गैलेक्सी वियरेबल सैमसंग गियर आ गया है। अगर पहले से इंस्टॉल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, प्ले स्टोर से जाके अब इसको, ये देखिए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए इंस्टॉल होने के बाद देखिए आपकी वॉच जो है कनेक्ट हो जाएगी। तो ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है, और ये देखिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए ये ओपन हो गई है। तो आप इसको स्टार्ट दी जर्नी पे क्लिक कर लेंगे, ये सब अलाउ कर देना है आपको, ठीक है ना, ये अलाउ कर दिया है। अब आपकी वॉच जो है ये है गैलेक्सी वॉच है 46 mm, और गैलेक्सी वॉच 42 mm दोनों के लिए। इस पर आप क्लिक करिए, इधर आपने टच किया, ये देखिए स्कैन कर रही है, और स्कैन के देखिए अभी आपने ब्लूटूथ तो ऑन कर ही दिया था, अब देखिए कनेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो मोबाइल के ब्लूटूथ ऑन रखिए दोस्तों, ये देखिए ये कनेक्ट हो चुकी है, जो भी गैलेक्सी वॉच का आपका नाम है वो इधर आ गया है और ये कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए एक बार उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और ये देखिए पास की आ गई इसमें, और अब देखिए आप देख सकते हैं, थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। ये देखिए इसको इधर गैलेक्सी वॉच में ये बोल रहा है पास की, इसको ओके करना है, इधर से ओके कर दिया और इधर से भी ओके कर दिया। ये देखिए ये कनेक्ट हो चुकी है, ये जो मैसेज आया है, जो रिंगटोन जो साउंड किया है अभी, इसका मतलब है कनेक्ट हो चुकी है। और अब देखिए ये इसको जो कनेक्ट करने के बाद जो है
बहुत सारी चीज़ें जो इंस्टॉल होती है इसमें, तो वो देखिए आप मोबाइल में देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये मोबाइल जो है सैमसंग का नोट 9 है, आपके पास कोई भी मोबाइल हो ये वाली ऐप उसमें डालना आपको पड़ेगी। और इस गैलेक्सी वॉच की दोस्तों बहुत मतलब इसकी खासियत बोलूँ, इसकी जो आप ये जो वॉच दिख रही है ना, ये जो मतलब वेट वॉच का जो फेस दिख रहा है ये आप चेंज कर सकते हो। और अभी स्टार्ट हो जाए, जैसे भी ये कनेक्ट होती है मैं बताता हूँ, ये अलाउ अलाउ कर देना है आपको, ये सब अलाउ करना है दोस्तों। ये सेटिंग हो रही है, ये देखिए यू यू आर, ये देखिए ये सेट हो चुका है। तो इसी के साथ आपकी घड़ी रेडी हो चुकी है दोस्तों, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो पहली वाली बटन जो है इससे आप मीनू पे जा सकते हैं, ये जो पहली वाली बटन है इससे आप ऑन कर सकते हैं। ये देखिए जैसे बंद हो जाती है, ये बंद हो गई, तो इसको दबाने से ऑन हो जाएगी ये। और ये वाली जो इसे मीनू पे जा सकते हैं आप, ये देखिए ये मेनू, इसको दबाया मैंने मेनू आ गई, ये देखिए। और इसे बैक, ये जो है इसे बैक जाएंगे आप, ये देखिए इसको एक बार दबाया बैक, तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर आपको रिस्टार्ट करनी है वॉच को, तो ये वाली जो बटन है इसको आप थोड़ी देर दबा के रखोगे, तो मेरा मतलब बंद करनी हो तो ये इधर आप पावर ऑफ करोगे तो बंद हो जाएगा। अभी मैं बैक कर देता हूँ, ये बैक हो गई, ठीक है ना। तो दोस्तों ये देखिए इसमें टाइमिंग भी रहती है कि इतने सेकंड बाद ही बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर से ऑन हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा ऊपर करोगे, जैसे ही आप घड़ी मान लीजिए पहनते हैं, ये देखिए इस टाइप से। तो इसमें जो है जायरोस्कोपी जो सेंसर होता है वो होता है दोस्तों। ये देखिए ये बंद हो गई और ये ऑन हो गई, ये बंद ये ऑन, ये देखिए है ना। तो इसमें जायरोस्कोप सेंसर के कारण ये जो है अपने आप सेंस कर लेता है। अगर आप इसको थोड़ी देर इधर दबा के रखोगे आप, ये देखिए ऐसे, ये देखिए, तो ये देखिए कितनी सारी वॉच आ गई, इनमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये वॉच वही है दोस्तों जो इसमें इंस्टॉल है, मैंने आपको बताया सैमसंग का जो गेयर है, जो ऐप है उसके द्वारा इंस्टॉल कर सकते हो। और ये पूरी वॉच बताया गया, सब इसमें इंस्टॉल है, ये देखिए। और करीब दोस्तों बहुत सारी इसमें वॉच जो है इंस्टॉल हो जाती हैं, आप डेली बदल के भी जाओगे तो साल भर भी तो शायद ख़त्म नहीं होंगे, इतनी सारी वॉचेस हैं इसमें। तो ये देखिए फ्री वाली भी हैं, पेड वाली भी, पेड वाली थोड़ी सही है, ये जो है पेड वाली है, ठीक है ना, जो मैंने इसमें इंस्टॉल की है। बाकी इसमें बहुत सारी फ्री वाली हैं, ये देखिए ये वाली सेलेक्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो। बाकी ऐप से आप बहुत सारी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये जो एप्लीकेशन डाली है वेयरेबल गैलेक्सी वॉच वेयरेबल, तो इसमें जाके आप बहुत सारी जो है वॉचेस जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए वॉच फेसेस जो लिखा हुआ है आप इधर देख सकते हैं ऊपर, इसको आप क्लिक करेंगे, ये देखिए कितनी सारी जो इंस्टॉल कर सकते हैं, इनको आप जिस पे क्लिक करो वो इंस्टॉल हो जाएगी। बस दोस्तों आपकी जो वॉच है उससे कनेक्ट होना चाहिए और चालू होना चाहिए, मेरा मतलब है, ठीक है ना। अगर वॉच इससे कनेक्ट नहीं है तो इंस्टॉल नहीं होगा, इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। तो बहुत सारी वॉचेस हैं, आप इसको कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, इन्फो, ठीक है ना, इन्फो मतलब कि कितनी बैटरी है ना, इसकी स्टोरेज कितनी है, 4 GB स्टोरेज है, कितनी बाकी है, 1.5 GB फ्री है अभी, है ना। ये रैम के बारे में दिया है, 3 768 MB रैम है, ठीक है, और 299.2 MB फ्री है रैम। ये सब जो है इधर से आप देख सकते हैं, ये सेटिंग्स है, इधर सेटिंग्स कर सकते हैं वॉच की, इधर से भी, और वॉच से भी हो जाएगी, इधर से भी सेटिंग हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से जो है आप, और भी एप्लीकेशन है, ये देखिए कितनी सारी एप्लीकेशन बता रहा है, टॉप वॉच ऐप, ये सब ऐप जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वॉच में, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है सैमसंग की गैलेक्सी वॉच, ये एंड्रॉयड नहीं है, तो इसलिए आप इधर ही से जो भी है आपको इधर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है ना। अब जो है दोस्तों देखिए, ये मैंने बताया इधर से मेन्यू पे जा सकते हैं आप, ये देखिए मेन्यू पे जाने के बाद कॉल करना है आपको, तो ये देखिए कॉलिंग भी हो जाएगा इधर से, ये देखिए ये जितने भी नंबर है कॉल हो जाएगा, इधर से डायल करके कॉल कर सकते हैं। ये देखिए मैं कोई भी नंबर इसे लगाता हूँ, 1 2 1, ये देखिए कॉल हो रहा है,
ये देखिए आपको कुछ सुनाई दे रही होगी आवाज, ये देखिए कॉल एंड हो गया, क्योंकि ये जो है मैंने ऐसे ही गलत नंबर जो है डायल किया है। तो इस टाइप से जो है आप कॉल कर सकते किसी को भी या नंबर डायल कर सकते हो, ये लाउड स्पीकर है, ठीक है ना। और जैसे इसे डायल करोगे तो आपका मोबाइल में भी जो है, ये देखिए मोबाइल में भी ऑटोमेटिकली जो है ऑन, मोबाइल ऑन हो जाएगा और वो बताएगा कि आप कहाँ कॉल लगा रहे हो, ठीक है ना। सेम चीज़ मोबाइल में होगी। तो इसको मैं इधर से फिर से बैक कर देता हूँ, ये देखिए बैक कर दिया, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे फीचर्स इसमें, गैलरी भी है जो मोबाइल में आपकी इमेजेस वगैरह सेव हो इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे फीचर्स, अलार्म है, कैलेंडर है, मैप है, ठीक है ना। और जो भी आपका वेदर भी बताएगा, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। ये फिटनेस के लिए देखिए आपको कितना चले पैदल और क्या साइकिलिंग करी आपने, पूरा पूरा बताएगा। ये देखिए इधर से भी सेटिंग, ये देखिए ओपन हो जाती, मैंने जैसे कि बताया, ये देखिए, ठीक है ना। और ये देखिए इधर से आगे पीछे जा सकते हैं, ये जो डायल है ये आपका रोटेट होता है, ये देखिए कितना शानदार लगता है दोस्तों। ये एकदम ओरिजिनल वॉच लगती है, आप इसको कह नहीं सकते कि कोई ऐसी स्मार्ट स्मार्ट वॉच है। कोई देखने में ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल जो हम पहनते हैं नॉर्मली वो वाली वॉच है जब, लेकिन ये ऑन होगी तो तब लोगों को लगेगा कि यार ये क्या है। क्यों, मेरे साथ हो चुका है दोस्तों, ये जनरली ऐसी ऐसा पहनता हूँ तो किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन जब ये ऑन होती है तो लोग देखते हैं ये कौन सी वॉच है, तब मैं बताता हूँ कि स्मार्ट वॉच है सैमसंग की। तो आपको उम्मीद है काफ़ी समझ में आ गया होगा। ये देखिए सेंसर दिए हुए हैं इसमें, ठीक है ना, जो कि पूरे ट्रैक करता है। तो दोस्तों कोई अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, मैं बिल्कुल आपको वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर करूँगा, नहीं तो कमेंट्स के द्वारा ही आपको जवाब दे दूँगा। तो ये देखिए किस प्रकार से ये मैंने जो वे जो वॉच आपको सामने, इसके जो वॉच का फेस दिख रहा है, ये मैंने जो है इसको इंस्टॉल किया है। और ये देखिए इस टाइप से इनके कलर भी चेंज हो जाते हैं, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये फेस लग रहा है। ये मैंने वही जो मैंने ऐप बताया था उस ऐप के द्वारा ख़रीदा है, और इस ये परचेस्ड वाला है तो काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे, 100-150-200 इस टाइप से कॉस्ट रहती है इनकी। और ये देखिए इधर आप जैसे ये इधर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए इधर कैलेंडर खुल गया, ठीक है ना। इसको बैक करता हूँ, अब इधर ये सेटिंग आ जाएगी इसकी, ठीक है। और इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, करीब 3 दिन आराम से इसका बैकअप मिल जाता है, जो मेन चीज़ है, ठीक है ना। ये देखिए इधर से बैटरी देख सकते हो 82% है, तो इधर से आप ब्राइटनेस वगैरह भी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको घुमा के भी कर सकते हैं कम ज़्यादा। ये देखिए 7, 8, 9, 10 तक जाती है, तो मैं फिलहाल इसको 7 ही रहने देता हूँ, वाई डिफ़ॉल्ट ही 7 लेती है। तो दोस्तों मेरा वीडियो यही ख़त्म होता है, अगर आपको और जानकारी लेनी है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करिए, मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि उस टाइप से नए नए वीडियो और मैं लाते रहूँगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।